जय हिंद कैडेट्स, आज की वीडियो हम बात करेंगे टीएससी केएम का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बटालियन से लेके दिल्ली टीजी एनसीसी तक, ठीक है, कि पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले मई, जून और जुलाई, ये तीन वो मंथ होते हैं जिसमें नोटिफिकेशन निकलता है टीएससी केएम के सिलेक्शन के लिए। जब सिलेक्शन निकलता है तो स्कूल कॉलेज से जो एनओ सर होते हैं एनसीसी के, आपके एनओ सर होते हैं, वो कैडेट का नाम बटालियन पहुंचाते हैं और बटालियन पे एक दिन सिलेक्शन के लिए पूरा प्रोसेस रखा जाता है। उस दिन कैडेट्स को फुल टर्नआउट में वहां पहुंचना होता है, ठीक है। जब वहां रिपोर्ट करते हैं तो वहां होता है उनका सबसे पहले बटालियन पे सिलेक्शन, ठीक है। तो बटालियन पे सिलेक्शन जो होता है वो होता है तीन बेस में। सबसे पहला होता है फिजिकल, ठीक है। फिजिकल में दो चीजें आती है, एक आती है 1600 मीटर की रनिंग, ठीक है, ये जनरली चेंज भी हो सकता है। सेकंड हम बात करें रॉप क्लाइंबिंग, ठीक है, रस्सी से चढ़ना रहता है, जो आपका टग ऑफ वॉर वाला एनसीसी में रस्सी होती है, ठीक है, जैसे टग ऑफ वॉर मैच होते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है उसके थ्रू ऊपर चढ़ना होता है, एक ये होता है। और लास्ट में होता है रिटर्न एग्जाम, ठीक है। ये जो रिटर्न एग्जाम या हम कहें रिटर्न टेस्ट, ये आपके सर्टिफिकेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप ए सर्टिफिकेट के कैडेट हैं, यानी कि जूनियर डिवीजन से अगर आप टीएससी केएम करने जा रहे हैं तो ए सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बी से है तो बी से रिलेटेड, सी से है तो सी के रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों सर्टिफिकेट का आपको प्रिपरेशन रखना है, सो डेट आप रिटर्न एग्जाम भी क्लियर कर पाए। जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा तो कुछ दिनों बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट का एक बात ध्यान रखना, रिटर्न भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट उससे ज्यादा करता है आपका फिजिकल, ठीक है। तो 1600 मीटर की रनिंग जरूर प्रैक्टिस करना, ये काफी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ये जब हो जाता है तो इसके बाद क्या होता है, आपकी आती है मेरिट, ठीक है। मेरिट आने के बाद क्या होता है, आपके लगते हैं कैंप्स। इन कैंप्स में आपके काफी सारे कॉम्पिटिशन होते हैं और जो लास्ट कैंप होता है उसमें आपका सिलेक्शन होता है दिल्ली के लिए, जो कि आपका दिल्ली वाला जो कैंप है वो रहता है 12 डेज का, इस कैंप के लिए सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा पूरा पोर्शन है बटालियन वाला हो गया है, मेरिट में आपका नाम आ गया है, उसके बाद आपके स्टार्ट होते हैं कैंप। तो हम कैंप से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा कैंप होता है जो टीएससी के लिए लगता है, ठीक है। तो आपको पता है बटालियन लेवल पे कैडेट्स का कंपटीशन हुआ है, तो जो कैडेट सिलेक्ट हुए हैं वो कैंप के लिए जाते हैं। इसी प्रकार डिफरेंट बटालियन से कैडेट सिलेक्ट होते हैं, वो सभी भी कैंप में पहुंचते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो कैंप होगा वो टीएससी का फर्स्ट कैंप रहेगा, ठीक है। जो ये फर्स्ट कैंप है टीएससी का, इसमें डिफरेंट बटालियंस के, यानी कि हम कह सकते हैं एक ग्रुप में जितने भी बटालियन है उतने ऑल बटालियंस के कैडेट यहाँ पे रहते हैं। इन सभी के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है। अब कंपटीशन किस चीज के बीच में होता है, जो मैंने आपको 8 इवेंट्स बताए, ठीक है, जो मैंने आपको 8 इवेंट्स बताए। कौन कौन से इवेंट्स बताए, मैंने आपको फायरिंग इवेंट, मैंने आपको बताया ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, इसके अलावा मैंने बताया आपको मैप रीडिंग, जजिंग डिस्टेंस, इसके अलावा मैंने बताया आपको फील्ड सिग्नल, लाइन एरिया कंपटीशन, टेंट पिचिंग कंपटीशन और हेल्थ एंड हाइजीन का कंपटीशन, ठीक है। तो इन सभी का कंपटीशन होता है इन 8 इवेंट्स में। जितने भी कैडेट्स यहाँ पे सिलेक्ट हुए फर्स्ट गेम के लिए, उन सभी का कॉम्पिटिशन होगा इन 8 इवेंट्स के लिए। इसी के साथ आपका जब इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड कैंप रहेगा, सेकेंड कैंप में भी इसी तरह से सिलेक्शन होगा। और जो आपका थर्ड कैंप रहेगा, यहाँ से मेन बनती आती है आपकी टीम, किस चीज की टीम, ये जो 8 इवेंट्स है, जैसे कि जो कैडेट्स फायरिंग के लिए सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, जिनका फायरिंग अच्छा है, उन सबका एक फायरिंग वाला अलग ग्रुप रहेगा, उन सभी का कंपटीशन फायरिंग में होगा। शुरू में सारे कैडेट्स सारे कंपटीशन करते हैं, सो डेट उनको पता चल जाए कि किसकी किस चीज में स्ट्रेंथ है, किसका किस चीज में नॉलेज है, ठीक है। इसलिए सारे कॉम्पिटिशन सभी कैडेट्स करते हैं, फिर धीरे धीरे सारे कैडेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू इवेंट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नॉलेज, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस और अकॉर्डिंग टू टैलेंट, ठीक है। मैं बता दूं टीएससी गेम में मैंने एक बार नोटिस किया, अंडर ऑफिसर यूरा सर से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि जो टीएससी गेम रहता है उसमें आपका टैलेंट भी काफी मैटर करता है। लाइक आपकी स्किल है फिजिकल की अच्छी, तो आप ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में जाइए, फायरिंग में जाइए, लेकिन आपका मैनेजमेंट में काफी अच्छा काम है तो आप टेंट पिचिंग में जाइए, वहां पे आपको टेंट पिच करना है कम समय में। और उसके अलावा हम बात करें, अगर आपका है नॉलेज अच्छा है तो हेल्थ हाइजीन हो गया, इसके अलावा मैप रीडिंग से रिलेटेड आपका अच्छा नॉलेज है तो आप मैप रीडिंग कर सकते हैं। इस तरीके से जो डिफरेंट इवेंट्स है टीएससी के उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो युवराज सर फायरिंग से गए थे क्योंकि उन्होंने एनसीसी का जो शूटिंग कैंप होता है वो कर लिया था, इससे उनकी फायरिंग अच्छी हो गई थी। तो काफी सारे कैडेट्स फायरिंग से भी जाते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। जो थर्ड कैंप है यहाँ पे सभी कैडेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अपने इवेंट्स के अकॉर्डिंग, और जो फोर्थ कैंप होता है उसमें भी सेम यही प्रोसेस रहता है। अब इसके बाद जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं आईजीसी होता है इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन, ठीक है। अभी तक जो चल रहा था वो चला था इंटर बटालियन कॉम्पिटिशन, बटालियन लेवल पे सभी कैडेट्स की टीम बन रही थी, सभी कैडेट्स सिलेक्ट हो रहे थे। जब अच्छे से कैडेट सिलेक्ट हो जाए तो इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन में क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए हमारी बटालियन थे 10 MP बटालियन है, ठीक है, इसके लिए हमारा ग्रुप है इंदौर ग्रुप और डायरेक्टेड है मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ MP एंड CG। तो MP एंड CG डायरेक्टेड में टोटल 6 ग्रुप्स आते हैं, इन 6 ग्रुप्स के बीच में कंपटीशन होगा। फिर इन जो ग्रुप्स के बीच में कंपटीशन होगा, जो एक अच्छी मेन टीम बनेगी हर एक इवेंट की, जो 8 इवेंट मैंने आपको बताया, इन सभी 8 इवेंट की एक टीम बनेगी,
वो टीम जाएगी फिर डायरेक्टेड लेवल पे कंपटीशन के लिए, ठीक है। फिर उनके होंगे प्री टीएससी के, और फिर प्री टीएससी के बाद वो जाएंगे दिल्ली, ठीक है। ये है पूरा प्रोसेस। इसके बाद क्या आईजीसी में कंपटीशन होंगे 5th नंबर के कैंप पे, और इसके बाद जो हमारे कैंप लगने हैं वो रहते हैं हमारे प्री टीएससी कैंप, ठीक है, जिसमें आईजीसी की जो एक टीम बनी है इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन फाइट करके जो टीम बनी है उसको पूरा प्रिपेयर किया जाएगा दिल्ली जाने के लिए, ठीक है। और इसमें मैं बता दूं कुछ कैडेट्स को रिजर्व रखा जाता है, कभी कोई कैडेट की तबीयत खराब हो गई, कुछ इशू हो गया, इसलिए कुछ कैडेट्स को रिजर्व भी रखते हैं। तो और आपको पता है ये वाला कॉन्सेप्ट कैसा है, हमेशा आर्मी में कोई बैकअप प्लान होता है, इसी तरह की सीट खराब ना हो इसलिए कुछ कैडेट्स को रिजर्व रखा जाता है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या होता है, जो कैडेट सिलेक्ट होते हैं प्री टीएससी कैंप में वो सभी जाते हैं दिल्ली डीजीएनसीसी यानी कि अपना टीएससी कैंप करने, और टीएससी का पूरा नाम है एआईटीएससी ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप। आई होप इस वीडियो से आपको काफी सारा क्लियर हुआ होगा, एक रोड मैप मिला होगा कि किस तरीके से बटालियन पे सिलेक्शन होते हैं, बटालियन पे सिलेक्शन होने के बाद किस तरीके से आपकी मेरिट लिस्ट आती है, फिर कैंप्स होते हैं जो फर्स्ट सेकंड कैंप होते हैं उसमें लगभग सभी कंपटीशन होते हैं, कैड्स को पता चलता है कि उनकी किस किस स्ट्रेंथ किस चीज में, शुरू में सारी चीजें एक्टिविटीज कराई जाती है, उसके बाद उन कैड्स को डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि कौन सा कैड किस इवेंट के लिए परफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें होती है। आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा, इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट करना, तब तक आप ये वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया टीएससी से रिलेटेड ए से लेकर जेड तक सारी डिटेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।